हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओस की और देखेंगे सभी आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आज है 16 जुलाई 2023 संडे का दिन है। बात करेंगे काका इंडस्ट्रीज़, ड्रोन और उत्कर्ष, ये तीनों आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। अब इसका जो मेन डेट आ रही है सामने वो है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और कल के डेट में एक नया आईपीओ नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड करके, कल से ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। ज़बरदस्त ये आईपीओ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देख लेते हैं आज का यानी 16 जुलाई का ग्रे मार्केट प्रीमियम। बात कर रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में और लाइव स्टेटस क्या चल रहा है वो देखेंगे और आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देखेंगे। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कोटा सबसे ज़्यादा रखा गया था और सब्सक्रिप्शन भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 135 टाइम फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट करीब करीब 20,000 तक का इसके अंदर हमको अमाउंट भी देखने को मिला। और बात करेंगे साथ साथ में नॉन इंस्टीट्यूशनल देखने को मिला, इसके अंदर करीब करीब 6,500 करोड़ तक का अमाउंट दिया है, जिसके अंदर अबाउ 10 लाख बिलो 10 लाख के जो 91 टाइम्स और 82 टाइम तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और साथ साथ में बात करेंगे हम जैसे आप जैसे रिटेल की रिटेल न्यूज़ सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट करीब करीब 3,500 अमाउंट भी देखने को मिला रिटेल न्यूज़। छोटा रखा गया इसके अंदर 18 टाइम फुल ओवर सब्सक्राइब हुआ और 90 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिला। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ भी 110 टाइम फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हुआ, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और रिटेल में स्मॉल फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज के डेट में इसने क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 16 जुलाई 2023 संडे का दिन है। आज इसके अंदर देखा है तो हमको 60% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि मार्केट बंद है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो आज थोड़ा इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। कल देखा जाए तो इसके अंदर करीब करीब हाइएस्ट 64% तक का चला गया था। आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। अब इसका अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट के क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना ताकि नई वीडियो नई नॉलेज मिल टाइम टू टाइम लेकर। नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड आईपीओ के बारे में इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। कल है 17 जुलाई 2023 मंडे का दिन है और 19 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका 2 रुपया पर शेयर रखा गया। आईपीओ प्राइस 475 से 520 रुपये के बीच में रखा गया। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 500 रुपीज़, इसको पहले इस पर ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 30 शेयर्स रखा गया। टोटल इशू साइज देखा जाए तो 630 करोड़ का ये आईपीओ, जिसके अंदर कुछ फ्रेश इशू भी रखा गया है 206 करोड़ का और साथ साथ में ऑफर फ्लो सेल भी रखा गया है 425 करोड़। देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर ऑलरेडी 630 करोड़ के अंदर से ऑलरेडी इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 189 करोड़ तक यानी 190 करोड़ तक का करीब करीब इसके अंदर ऑलरेडी अमाउंट आ चुका है। और बात करेंगे इसके अंदर एक कोटा और रखा गया, इंप्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया गया। इन कंपनी की जो कंपनी के जो इंप्लॉयज़ है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं कर सकते हैं, जिसके अंदर 25 शेयर्स रुपये उनको डिस्काउंट पे मिलेगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, बीएससी एनएससी दोनों पे, क्योंकि मेन बॉडी है आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया। एंकर इन्वेस्टर के जरिए देखा जाए ऑलरेडी पैसा आ चुका है। अब कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो QIBs को इसके अंदर 50% दिया गया है, HNIs को 15% दिया गया है और रिटेल को हम जैसे आप जैसे रिटेल को इसके अंदर 35% दिया गया है। चलो देख लेते हैं आज के डेट में इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज देख लेते हैं इसका नेट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और आज है संडे का दिन 16 जुलाई 2023 और आज इसके अंदर सबसे हाईएस्ट 172% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और सुबह के बज गए हैं 11 बजे अभी तक इसके अंदर दिखाई जब से इसका सब्सक्रिप्शन कल से स्टार्ट होगा, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम जब से स्टार्ट हुआ है तब से
62% के ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ के आज 71-72% तक चढ़ गया। उम्मीद की जा रही है और भी ज़्यादा इसके अंदर हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके अंदर हमको 70-80% तक देखने को मिल सकता है। जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता देंगे, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। बात करें टाटा इंडस्ट्रीज IPO के सब्सक्रिप्शन के बारे में, लाइव स्टेटस देखते हैं ये IPO के अंदर क्या चल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो आज के दिन के अंदर इसमें क्या ग्रे मार्केट पर, क्योंकि IPO आया और क्लोज भी हो गया, अब इसके अंदर हमको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। बात करें क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल की, करीब करीब 72 times सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, अमाउंट 290 crore तक आया था, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर करीब करीब 431 times देखने को मिला, और 1307 crore तक का इसके अंदर अमाउंट भी आया। और रिटेल इन्वेस्टर देखा जाए तो करीब करीब 358 times रिटेल इन्वेस्टर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, और 2526 crore इसके अंदर अमाउंट भी आया, यानी 2526 crore तक का इसके अंदर हम अमाउंट भी देखने को मिला। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो टोटल इसके अंदर पूरा ही पूरा फुल्ली वर्ष सब्सक्राइब होने के बाद 292 times, यानी करीब करीब 300 times ये फुल्ली वर्ष सब्सक्राइब हुआ, अमाउंट 4100 crore तक का इसके अंदर हमको अमाउंट देखने को मिला। चलो देख लेते हैं इस IPO के अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। टाटा इंडस्ट्रीज IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के दिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। और आज है 16 जुलाई 2023, आज 86% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कल थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली थी, करीब करीब 82% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चला गया था, और आज इसके अंदर हमको 86 देखने को मिल रहा है। कल उम्मीद की जा रही है और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट है, फिलहाल देखते हैं अलॉटमेंट कैसे आएगा, अलॉटमेंट कैसे लेते हैं, अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, वो भी वीडियो के माध्यम से सुबह में 11-12 बजे तक वीडियो आ जाएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बात कर रहे हैं ड्रोन डेस्टिनेशन IPO के सब्सक्रिप्शन के बारे में, लाइव स्टेटस देख लेते हैं। IPO क्या चल रहा है, IPO आया और क्लोज भी हो गया, फिलहाल इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का 50 times देखने को मिला, और अमाउंट 414 crore तक का देखने को मिला। नॉन इंस्टीट्यूशनल करीब करीब 243 times फुली वर्ड सब्सक्राइब हुआ, अमाउंट करीब करीब 1500 crore तक का इसके अंदर अमाउंट भी देखने को मिला था। और रिटेल इन्वेस्टर्स करीब करीब 250 times इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। सबसे ज़्यादा अगर कोई ने पार्टिसिपेट किया है तो हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करें, और अमाउंट भी 3600 crore तक का इसके अंदर अमाउंट भी देखने को मिला। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा है तो 191 times सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था इस IPO के अंदर, और अमाउंट करीब करीब 5500 तक का इसके अंदर अमाउंट भी आया। और चलो देख लेते हैं इस IPO का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उससे पहले कहूँगा चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। ग्राउंड डेस्टिनेशन IPO के डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 16 जुलाई 2023, आज इसके अंदर ड्रोन के अंदर हमको 60% तक के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। स्टार्ट में जब ये IPO चल रहा था करीब करीब हाइएस्ट इसने 86% तक का ग्रे मार्केट इससे चढ़ चुका था, ज़बरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ा। और उसके बाद हमको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला, तो जो गिरावट आई करीब करीब 58% इसका लोवेस्ट देखने को मिला। फिलहाल आज के डेट में आज देखा जाए तो इसके अंदर करीब करीब हमको 60% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। फिलहाल देखते हैं जैसा भी रुझान रहा, क्योंकि IPO आया और क्लोज हो गया, अब इसका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना।